वेज फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमने जो चावल लिया है वो मैंने ये ग्लास का एक पूरा नाप लिया है। ये एक ग्लास चावल मैंने ले लिया है। इस चावल को मैंने अच्छे से एक खुले पानी में मैंने टोप में भिगा के रख लिया। इसे हमने कम से कम 10 मिनट से 15 मिनट तक भिगा के रखना है पानी में। एंड ये चावल बिल्कुल बासमती होना चाहिए, तो हमारे चावल बहुत अच्छे लंबे लंबे होंगे। इस तरीके का आप चावल ले सकते हैं। इसे भिगा दीजिए 15 मिनट। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक खुली कढ़ाई ले ली है जिसमें मैंने पानी गर्म करने रख लिया है। जैसे ही आपका पानी थोड़ा उबलने लगे तो उस पानी में आप एक चम्मच तेल डाल दीजिए, एक छोटा चम्मच तेल डाल दीजिए, एक से दो चम्मच डाल सकते हैं आप अगर छोटा चम्मच ले रहे तो। इसी पानी में हम लगभग आधा बड़ा चम्मच नमक का डाल देंगे और जैसे ही ये पानी उबलने लगेगा इसमें हम हमारे धुले हुए चावल डाल देंगे। ये देखिए हमारा पानी उबलने लगा है, अब हम इसमें हमारा ये जो चावल है इसे डाल देंगे। इस चावल को हमने उबलते हुए पानी में पकाना है, बट ध्यान दीजिए कि आपका चावल पूरी तरीके से पकना नहीं चाहिए, मतलब कि आप कम से कम इसे 80% जब ये पक जाएगा तब हमने इसे छन्नी में छान लेना है, वरना अगर चावल अच्छा नहीं बना तो हमारा फ्राइड राइस भी अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ पे मेरे पास कुछ बारीक कटी हुई सब्जियाँ हैं, ये तो मैंने लिमिटेड सब्जी ली है। अगर आपको ब्रोकली या फिर मटर या आपके फ्राइड राइस में कुछ और भी सब्जियाँ पसंद आती है तो आप डाल सकते हैं, बट ये सब्जी बिल्कुल बेसिक है जो फ्राइड राइस में पड़ती है। यहाँ आप देख सकते हैं एक छोटे कटोरी में मैंने इतना एक चम्मच अदरक बारीक कटा हुआ और यही एक चम्मच लहसुन लिया है। नॉर्मली अगर आप अदरक लहसुन नहीं डालते तो आप फ्राइड राइस में इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट मेरे घर में इस तरीके का प्रिपेरेशन अच्छा लगता है मेरे घर वालों को, इसके लिए मैं अदरक लहसुन डालूंगी। यहाँ पे है मेरे पास एक छोटी कटोरी बारीक कटी हुई शिमला मिर्ची, ये है मेरे पास बारीक कटा हुआ फ्रेंच बीन्स, ये है बारीक कटा हुआ गाजर और ये मेरे पास है बारीक कटी हुई एक कटोरी स्प्रिंग अनियन। और यहाँ सॉस मैंने बिल्कुल कम लिया है, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको सोया सॉस डालना है तो आप डालिए, वरना आप बिना इसके भी बना सकते हैं। ये सोया सॉस ले लेंगे हम। और यहाँ पर है मेरे पास कुकिंग विनीगर, मतलब वाइट विनीगर। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा चावल भी तैयार हो रहा है, ये अच्छे तरीके से उबल रहा है, इसे हमने उबलते हुए पानी में ही बनाना है। यहाँ आप देख सकते हैं मेरा राइस रेडी हो गया है, ये लगभग 80% पक चुका है। इसे थोड़ा सा कच्चा ही रखिए आप, अब इस स्टेज पे आके अपना चावल बंद करके आप इसे छन्नी में छान लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कढ़ाई में कम से कम 4 से 5 बड़े चम्मच तेल गरम कर लिया है। अब इस गरम तेल में मैं मेरा ये जो अदरक लहसुन है इसे डाल दूँगी। ये मैं फिर रिपीट करूँगी, अगर आपको ये नहीं चाहिए आपके फ्राइड राइस में तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसे हम लाल होने देंगे, जैसे ही हमारा अदरक लहसुन लाल हो जाएगा हम इसमें ये जो बीन्स है इसे डाल देंगे और ये जो गाजर हमने बारीक कट के रखी थी एक कटोरी इसे डाल देंगे। इसमें आप एक पिंच नमक डाल सकते हैं, नमक देख के डालिए क्योंकि आपने अपने चावल में भी नमक डाला है। इसे हमने ओपन पैन में ही बनाना है और हाई फ्लेम पे बनाना है क्योंकि ये फ्राइड राइस है तो इसमें सब्जियां थोड़ी आधी कच्ची ही होगी। यहाँ मेरा गाजर और जो बीन्स है वो आधी कच्ची पक चुकी है, अब इस स्टेज पे आके मैं मेरी ये शिमला मिर्ची डाल दूंगी जो बारीक कटी हुई है, इसे भी एक मिक्स दे देंगे। अब 2 मिनट हाई फ्लेम पे बनाने के बाद हम इसमें हमारा ये जो विनीगर है इसे डाल देंगे, 1, 2 और लगभग 3 चम्मच बड़े चम्मच।
बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल खिला खिला बना है, बहुत ही अच्छा बना है। मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि अगर आपको इसमें थोड़ा सा सोया सॉस या फिर नमक वगैरह आपको और डालना है तो आप डाल सकते। इसे खूब सारे स्प्रिंग अनियन, उसके जो लीव्स है, उसके जो राउंडल्स है, उसके साथ अच्छा गार्निश कीजिए। आप खूब सारा डालिए, बहुत सारी भाजी डाल सकते हैं आपको जो पसंद है। इस तरीके से बनाइए फ्राइड राइस, बहुत अच्छा बनता है। इतना फ्राइड राइस लगभग 3 से 4 लोगों के लिए सफिशेंट है। इसके साथ आप कोई भी ग्रेवी चाइनीज़ की बना सकते हैं, जो वेज बेस्ड हो या नॉन वेज बेस्ड हो, जो आपको पसंद आए। इसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत इजी रेसिपी है, एंड सबको खिलाइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।